बैक टू माई चैनल द अल्टीमेट रेल्स। और आज तक भाई मेरे चैनल पे आपने सारी ट्रेन जर्नीज देखी होंगी। फिलहाल आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के रैपिडेक्स स्टेशन पे, जहाँ से चलती है अपनी RRTS की सुपर हाई स्पीड ट्रेन साहिबाबाद से लेके मेरठ साउथ तक। और यहाँ आने का आज हमारा फर्स्ट मकसद है कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, जो आप मान सकते हैं। RRTS वाले जितने हमारे स्टाफ्स हैं, RRTS की जितनी टीम है, उनकी तरफ से हमें इन्विटेशन आया है, क्योंकि आज मेरठ में होने जा रहा है मेरठ की अपनी पहली मेट्रो ट्रेन का अनरिवील, उसका फेस अनरिवील किया जाएगा। इंटीरियर्स कैसे हैं उसके, उस गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको, क्या क्या उसमें फीचर्स आने वाले हैं, वो सब आपको दिखाया जाएगा आज पहुंच के वहां पे दुहाई डिपो में, मेरठ मेट्रो का फर्स्ट लुक। तो इन लोगों ने हमें उसी के लिए इन्विटेशन दिया है और इन्हीं के द्वारा हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी। RRTS की जो अपनी ये रैपिड रेल है, उसमें हमें फ्री सर्विस दी जा रही है अप एंड डाउन की दोनों तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इनविटेशन इनकी तरफ से ही है। तो चलते हैं, इसी बहाने आपको RRTS की भी राइड मिल जाएगी और वहाँ पे मेट्रो का अनरिवील होने के बाद दिखाएंगे आपको कि वो DMRC से कितनी अलग है या फिर सेम है, क्या क्या फीचर्स हमें उसमें मिल रहे हैं मेट्रो के अंदर, चार्जिंग पॉइंट्स, लेग स्पेस, सीट कम्फर्टेबल है कि नहीं, बाकी वगैरह जितना है सब आपको वहाँ पर पहुँच के दिखाएंगे। तो सारा वहाँ का फंक्शन आज वहाँ पर एक तरीके से अनरिवील करने का वहीं पे होने वाला है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं अपनी और चलते हैं मेरठ की अपनी पहली मेट्रो का लुक देखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं फिलहाल ये आप मेरे सामने मेट्रो का मैप हो सकता है, इसमें मेट्रो का मैप ये हो गया आपका, और यहाँ से ये कंप्लीट आपका मोहिंदीनपुर तक हो गया आपका RRTS का मैप। और ये है भाई कुछ इस टाइप का अपना ऊपर का व्यू स्टेशन के RRTS गाजियाबाद। फिलहाल ये गाड़ी यहाँ से निकलने को तैयार है अपने गंतव्य मेरठ दक्षिण यानी मेरठ साउथ की तरफ, और इससे जो अगली ट्रेन आने वाली है उससे हम निकलेंगे अपनी जर्नी दुहाई डिपो की तरफ। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे फर्स्ट गाड़ी यहाँ से डिपार्चर ले रही है मेरठ साउथ की तरफ, और एक्सेलरेशन देखो भाई खींच के बिल्कुल। तो जी ये आ चुकी है अपनी गाड़ी, इसमें हम बोर्ड होके जाने वाले हैं दुहाई डिपो तक। सो टुडे राइड इज हेयर, सो लेट्स एंटर। दरवाजे बंद हो रहे हैं इस बटन से आते हैं भाई। ये है भाई, ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई तो ऑक्यूपेंसी देख लो आप, बहुत अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिल रही है फिलहाल। तो जी अपनी हाई स्पीड जर्नी शुरू हो चुकी है, अब देखते हैं गाड़ी जाती कितने तक है। मैक्सिमम स्पीड तो 160 किलोमीटर पर आवर की है, पर फिलहाल बता रहे हैं कि 130 तक जाएगी, DSR वगैरह लगा हुआ है। फिलहाल देखते हैं हमारे डिस्प्ले में एक्सेलरेशन स्टार्ट हो चुका है 90, 92, 94, 100। कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट तो अच्छा खासा है गाड़ी में, नो डाउट, और स्पीड भी बहुत बढ़िया है 150। अपनी भोपाल शताब्दी बना दी भाई, भोपाल शताब्दी और 160 टच कर देते तो गतिमान बना देते। पे चल रही है भाई अभी ट्रेन अपनी, तो जी हम पहुंच रहे हैं अपनी यात्रा के अपने गंतव्य के स्टेशन पे दुहाई डिपो, और यहां से चलेंगे हम, आपको दिखाएंगे मेरठ मेट्रो का फर्स्ट अनरिवील लुक। तो आइए देखते हैं दुहाई डिपो पे आए हुए। जी देखा आप सबने कैसी ट्रेन है, कैसी स्पीड में जाती है, और ये था आप सबका एक्सपीरियंस RRTS का फर्स्ट RRTS ट्रेन का आपने। बटन दबाना पड़ता है।
सराय काले खां मोहिद्दीनपुर की ओर। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम हमारे डेस्टिनेशन दुहाई डिपो पे। पहुंचा दिया गाड़ी ने हमें 11:30 बजे पहुंचने, और बोर्ड की थी हमने ये ट्रेन भाई 11:05 पे। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया स्पीड है, तगड़ी एकदम। और ये गाड़ी यहीं तक रहने वाली है, बगल में आपको दिखाते हैं पार्किंग यार्ड पूरा कंप्लीट। बने रहिए वीडियो में, अब तक ये वीडियो भाई अब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर दें। होटल वगैरह बढ़नी है तो आप नहीं है, ये दे रखा है भाई ड्रिंकिंग वाटर, नीचे से टैप करो ऊपर पानी आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, सामने बस खड़ी है अपनी NCERTC की तरफ से, और जहाँ पे पूरा प्रोग्राम हम अटेंड करने जा रहे हैं इसी बस में जाने वाले हैं हम फिलहाल। वो खड़ी देख सकते हैं सामने भाई दुहाई डिपो की सारी अपनी RRTS की गाड़ियाँ। सर जी कैसे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं भाई सीधे इनके डिपो में। अरे बस प्रोवाइड कराई इन्होंने अपनी खुद की NCERTC। बस का रिव्यू करो, मैं सुकून है भाई, बिल्कुल सुकून। ये देखो चिल्ड AC बिल्कुल इतनी तेज प्रेशर के साथ चल रहा है, और अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है। ऑफिशियल्स की कोई भी बस है, विंडो सीट पर फोन एकदम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है VIP वाला, मज़ा आ गया भाई। NCERTC का स्टाफ बहुत बढ़िया, थम्स अप फॉर NCERTC स्टाफ। कब आया? मैं आ गया। ये तो दोस्तों ये है मेरठ मेट्रो का पहला लोग, मेरठ की अपनी NCERTC के स्टैप बनाई गई है। पूरा फर्स्ट लुक कैसा है बाहर से एक्सटीरियर तो दिखा दिया हमने, अब यहाँ पे थोड़ा कल्चरल फंक्शन वगैरह रखे गए हैं, उसके बाद हम इस मेट्रो में अंदर और इसकी इंटीरियर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं इसको A to Z सारी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। फिलहाल सामने से देख सकते हैं जी, सामने लिखा हुआ है मेरठ मेट्रो बड़ा बड़ा सा साइड में, और येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी बनाई गई है। 4 डिब्बों की गाड़ी है, और दिखाते हैं इसका इंटीरियर रिवील होने के बाद। सीनियर्स ऑफिशियल्स आ चुके हैं यहाँ पे, यही लोग अनरिवील करने वाले हैं आज इस NCERTC की मेरठ मेट्रो को। और एक और खासियत बताने जाऊँगा मैं इस मेरठ मेट्रो के बारे में, इंडिया के मेट्रो नेटवर्क में जितनी भी मेट्रो चलती है हमारी, इन सब में से सबसे फास्टेस्ट मेट्रो यही है भाई अपनी मेरठ वाली, विद 100 km/h की स्पीड के साथ। एक बात मेरे को अजीब जरूर लगी है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा आपको, कोच गिन सकते हैं आप 1, 2 और वो लास्ट में 3, मतलब 3 ही डिब्बे दिए गए हैं अब तक। क्यों 3 डिब्बे दिए गए हैं वो तो नहीं पता, बट हाँ मतलब फास्टेस्ट मेट्रो ऑफ इंडिया करेंटली। देखते हैं आइए और क्या क्या दिखाया जाएगा आपको, सब दिखाते हैं। एक ही खोलना सर, तो देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल फाइनली अनरिवील हो चुका है मेरठ मेट्रो का लुक। देख सकते हैं पीछे मेरे मेरठ मेट्रो के अंदर हम आ चुके हैं। इसका इंटीरियर की बात की जाए ना अगर, तो मुझे सेम टू सेम लग रहा है RRTS की जो अपनी रैपिड रेल चलती है ना RRX, सेम वैसा ही इंटीरियर दिया गया। देख सकते हैं आप 2 साइड सीट्स, और ये सामने दिख जाएगा 2x2 सीट्स का सीटिंग कंपेरिजन आपको। ये रही सीटिंग अरेंजमेंट्स, 6 सीट इधर 6 सीट इधर बाहर, कितना 12 लोग इस पे भी बैठ जाएंगे, 12 इस पे भी, और टोटल इनमें भी 12 लोग बैठ जाएंगे। तो इस तरफ से है भाई कुछ इसका सीटिंग अरेंजमेंट इस ट्रेन का। ऊपर कैमरे मिल जाएंगे आपको 2। ये है जी इधर इसका डिस्प्ले जिस पे आपको पूरी लोकेशन शो करेगी, गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस करने के बाद गेट खुल जाएंगे, और RRTS की तरह इसमें भी सेम आपको मिल जाएगा 2 चार्जिंग पॉइंट। बटन
सो जी सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो चेयर वाली सीट्स की बात करें तो उसमें 12 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, और लंबे वाली जिसमें अभी फिलहाल मैं तो इसमें भी दो लगी हुई है हाफ हाफ करके, 6 and 6, 12 इधर 12 उधर, और इसकी बात की जाए तो इसमें भी 6 इधर और 6 उधर, 12 लोग उस पर। इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है अपनी मेरठ मेट्रो के अंदर। ऊपर इसमें लगेज स्पेस भी दिया गया है जो कि DMRC में नहीं आता भाई। सामने NCERTC का बोर्ड और इस टाइप का बड़ा सा विंडो, ये चार्जिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं आप, अंदर का इंटीरियर लुक। और यहाँ कॉर्नर पे आपको मिल जाएगी भाई ब्रांडिंग यहाँ पे मेरठ मेट्रो की। हेल्पलाइन नंबर इज़ अवेलेबल हेयर एंड ऑल्सो हेयर लगेज स्पेस। और वंदे भारत की तरह यहाँ भी दे रखा है, पायलट से बात करने के लिए बटन दबाइए और बात कीजिए डायरेक्ट पायलट से इन द केस ऑफ एमरजेंसी। ये रहे हमारे AK पाजी, बताओ भैया आपको कैसा लगा इसका इंटीरियर? बहुत अच्छा है, मतलब जैसे नवो भारत ट्रेन है वैसा ही इसका इंटीरियर है, लेकिन इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो होने वाली है। सबसे मेन बात तो यही है कि 120 किलोमीटर पर इसकी मैक्सिमम परमिसेबल जो स्पीड है वो रहेगी, बाकी देखते हैं जैसे दौड़ेगी तो एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। खास बात तो यही है ना, RRTS के साथ कनेक्टिविटी इसकी ईजी होगी। मुझे तो ये आज इस गाड़ी को किया गया है सिर्फ अनरिवील, अब जब ये सर्विस में आएगी तो उसके बाद जर्नी करके दिखाएंगे स्पीड इसकी 120 जा रही है या फिर कितनी तक जा रही है मैक्सिमम। फिलहाल ये है इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो। क्या फर्क है तो सीधा देख लो भाई, साइड में भी दो सीट आपको मिल जाएंगी और नीचे डिसेबल्ड लोगों के लिए भी यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, व्हील चेयर लगा और सीट बेल्ट भी दी गई है प्रॉपर सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे भी दिया गया है सीधा कॉन्टेक्ट पायलट से बात करने का, ये इस टाइप से सीट्स खुल जाती हैं ऑटो फोल्ड। अब कंपेयर कर लीजिए आप दिल्ली मेट्रो से इसके इंटीरियर को और इसके फीचर्स को। सबसे बेस्ट चीज लगेज स्पेस दिया गया है भाई आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिस फंक्शन के लिए हम आए थे वो यहीं कंप्लीट होता है, मतलब एक तरीके से कहें तो हमने पूरा कवरेज कर लिया, दिखा दिया इस वीडियो में। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है हमारी मेरठ की मेट्रो। आगे चलते हैं अभी भाई, अपने लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है लंच का, दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था है हमारे लिए, बने रहिए। दोस्तों ये देख लीजिए, हम लेकर आ चुके हैं अपने लिए खाना और भाई बताएंगे अभी टेस्ट करके, तो करिए ट्राई भैया। तो भाई अभी रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं पनीर लबाबेदार, बहुत बढ़िया टेस्ट है एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। और फिलहाल हमने लिया है इसमें मिक्स वेज पनीर लबाबेदार, लच्छा पराठा, 2 chapatis, चावल। अभी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं लेकिन प्लेट में ज़्यादा जगह नहीं है, वो बाद में दिखाएंगे। अभी आपको खाने का इंतजाम जितना ये NCERTC वालों ने किया है ना, बहुत बढ़िया किया है, बहुत ही टेस्टी खाना है। अब देखने जा रहे हैं भाई हम मिक्स वेज को। बहुत बढ़िया है एकदम, स्पाइसी भी नहीं है और मिर्च भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, परफेक्ट एकदम खट्टे मीठे कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया सब्ज़ी बना रखी है। तो जी फाइनली यहाँ से आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, RRTS का जो कि मेट्रो का अनरिवील करना था वो प्रोग्राम हमारा यही खत्म होता है। साथ में लास्ट में हमें यहाँ पे एक गिफ्ट दिया गया है NCERTC की तरफ से, और फिलहाल वापसी जाने का प्रोग्राम स्टार्ट है, यहाँ से बस लगी हुई है पीछे। तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं जल्दी एक और इनॉग्रल धमाकेदार जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, बाय।